यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए देश की आवाज का रुख करेंगे। जी हां, देश की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम मुद्दों को उठाते हैं और आप यानी कि जनता हमें अपनी राय पहुंचाते हैं। आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं, आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक किस कदर बढ़ रहा है इससे आप सब वाकिफ होंगे। जब आपको पता चला होगा कि पुलिस के एक कर्मचारी को बदमाशों ने उठा लिया, उनका अपहरण कर लिया है। जी हां, देश की आवाज में आज इसी मुद्दे के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। हरियाणा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कानून व्यवस्था का डर ही नहीं है। गुरुग्राम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुग्राम के राजीव नगर से दिन दिहाड़े एक कांस्टेबल का अपहरण किया गया। 4 से 5 बदमाशों ने इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया कि कांस्टेबल की इन बदमाशों के साथ लड़ाई हुई है। कहासुनी के बाद बदमाशों ने कांस्टेबल का अपहरण कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद बदमाशों ने हेड कांस्टेबल को छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया गया है। अब ऐसी वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। देश की आवाज में हम इसी के मुद्दे को लेकर आज आपके सामने पेश हुए हैं। दिन दिहाड़े पुलिसकर्मी का बदमाशों ने गुरुग्राम में अपहरण कर लिया। ऐसी घटनाओं से कानून व्यवस्था पर जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस आम आदमी को कैसे सुरक्षा देगी, ये बड़ा सवाल है जब पुलिस का अपहरण ही बदमाश कर लेते हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं, क्या लगता है इसके क्या कारण है? आप हेड कांस्टेबल का अपहरण किया गया है, तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हेड कांस्टेबल का अपहरण किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बदमाशों के साथ कांस्टेबल की कहासुनी हुई थी। इसके बाद मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने हेड कांस्टेबल का अपहरण कर लिया था। तो आप हमें फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें बदमाश एक हेड कांस्टेबल का अपहरण कर देते हैं। तो गुरुग्राम की घटना है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि आए दिन आम लोगों का अपहरण तो बदमाश करते ही रहते हैं। चाहे नाबालिग लड़की का मामला हो बावल से या फिर कोई और मामले हो, अपहरण की वारदातें सामने आती रहती है। लेकिन दांतों तले उंगलियां चबाने के लिए हम तब मजबूर हो जाते हैं जब हेड कांस्टेबल का ही अपहरण कर लिया जाता है। गुरुग्राम में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। दिन दिहाड़े पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पुलिस आम आदमी की कैसे सुरक्षा करेगी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है जब पुलिस को खुद सुरक्षा की जरूरत हो, क्योंकि बदमाश दिन दिहाड़े गुरुग्राम में पुलिस हेड कांस्टेबल का अपहरण कर रहे हैं। तो हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आरके कालिया, जो कि अंबाला से है। आरके कालिया, आपका स्वागत करते हैं खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है जी, और जो देश की रक्षा और सुरक्षा केवल राजनेताओं की के लिए है और अभिनेताओं के लिए है जी, मैं आपको कहना चाहूंगा साफ तौर पर जी, आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं, कहीं रक्षा नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं, और छोटे आदमी की भी कहीं रक्षा नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि जो पुलिस है वो 24 घंटे देखिए इनकी सेवा में लगी हुई, राजनेताओं की, इनकी खिदमतदारी में लगी हुई है। थाने चौकी आपको खाली मिलेंगी, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी का काम, रैलियां हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, इनकी कोठियों पर ये तैनात हैं, तो आम आदमी कौन सुध लेगा? इसमें सुधार होना चाहिए। मीडिया इस बात को उठाए, जुडिशरी इस बात का संज्ञान ले, माननीय राष्ट्रपति इस बात का संज्ञान ले, अदरवाइज यहां पे कोई सुरक्षित नहीं है। राम भरोसे सब काम चल रहा है। धन्यवाद जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आरके काले, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम राय आपने रखी, और कहीं ना कहीं एक अहम सवाल भी आपने खुद उठा दिया है कि आज की जो सुरक्षा है वो अभिनेताओं और राजनेताओं के लिए ही है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अगले दर्शक नोएडा से नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपका भी स्वागत करेंगे खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर ये राय है कि पुलिस जो है आज की बड़ी मतलब परेशान है। जो अच्छे लोग काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर कोई पुलिस ढंग से काम करना चाहे, अगर ईमानदार हो तो उसे नेताओं का दबाव झेलना पड़ता है, गुंडों की धमकी झेलनी पड़ती है, क्योंकि पुलिस और गुंडे मिले हुए होते हैं। जो शरीफ पुलिस वाला है वो आपको कहीं भी हर जगह परेशान मिलेगा, चाहे उसी का अपहरण होगा और उसी को परेशान किया जाएगा। और जो दबंग पुलिस वाला है वो रिश्वतखोर पुलिस वाला है, वो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे और जितने बड़े रिश्वतखोर नेता होंगे, भ्रष्ट नेता होंगे, उतना ही वो पूरे रोकदार होंगे। तो सारा मतलब भ्रष्टाचार का खेल है उसमें है। अब जैसे कई जो कंपनी नोएडा की कंपनी है, टुडे कंपनी ग्रुप करके कंपनी है, उसकी अंजना कश्यप ने पुलिस वाले को भ्यूडवा बलात्कार का आरोप लगा के फंसाने की कोशिश करी और अपना केस दबा दिया, उस पर उन्होंने हत्या केस था। तो ये सब चलता रहता है हर जगह। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश अपनी राय रखने के लिए। तो नरेश का ये मानना है कि जिस प्रकार से जो पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाएगा उसके साथ ही इस प्रकार की घटनाएं होती है। अगले दर्शक एमपी हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। स्वागत है एमपी आपका खबर अभी तक पर। जी बताइए, इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ विचार आपके मन में अभी आ रहे हैं? मैडम एक्चुअल तो बात है कि ये देखो कि जितने भी बदमाश है जी, उनका नेताओं के घर उठना बैठना है तो पुलिस कहाँ तक हाथ लगाएगी? पुलिस के पास तो पहले फोन कर देते हैं, पहले लिस्ट होती है कि इन बदमाशों के तुम हमारे हैं, हर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या अदर कोई भी हो, तो सबके होते हैं। हिसार की एक घटना है कि एक दुष्कर्म के केस में झूठा मुकदमा के मतलब एक चाल चल रहा था, ये आपके टीवी पे भी बात चली है जी। कई महीने तक वो अंडरग्राउंड रही है, उसके बाद हाई कोर्ट तक उसकी बेल मतलब नहीं हुई, सरेंडर करना पड़ा है। और उन 9 पुलिस कर्मियों को वही नेता लोग जिनके यहाँ छुपाए बैठे थे वही उसको टोटली सबको बहाल भी कर दिया है और सम्मानित कर रहे हैं, ऐसी औरतों को सम्मानित भी कर रहे हैं। तो क्या क्या मतलब कानून कहाँ रह गया? लेकिन आम जनता कहाँ जाए? न तो गवर्नर कोई काम करता है सीएम पे, ना राष्ट्रपति जी करते हैं, ना प्रधानमंत्री करते हैं। तो मतलब सीएम पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी अपने राज्यों में, जब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता, इसका सारे का जिम्मेवार सीएम है जी। तो एमपी शर्मा का ये मानना है, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी शर्मा आप हमारे साथ जुड़े। तो एमपी शर्मा का ये मानना है कि लोगों में डर जायज है अगर पुलिस के साथ ही इस प्रकार की घटनाएं वारदातें सामने आएंगे। और वीरेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। वीरेंद्र जी बताइए, इस पर क्या राय है आपकी? गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग मैम, आप जब भी सवाल उठाते हैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल बड़े अच्छे होते हैं जी, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ जो आज का सवाल है, आज जो पुलिस के जवान है जी, हकीकत मैं ग्राउंड से देखता हूँ और मैं फिलहाल पुलिस में हूँ जी, बोलिए। आज पुलिस का जवान इतना डरा हुआ, अगर पुलिस का जवान को कोई कार्य अच्छा करना चाहता है तो ऑफिसरों के डर से वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि ऑफिसर उसके ऊपर दबाव बना देते हैं राजनीति के थ्रू, राजनीतिक वाले अधिकारी के ऊपर दबाव बनाते हैं और अधिकारी जवान के ऊपर दबाव बनाते हैं, आपने ये ऐसा क्यों किया? मैं अभी एक ताजा मामला हिसार का बताता हूं, जो 19 दिसंबर को जो अपने चुनाव हुए थे उनकी गिनती थी जी, उस गिनती के दौरान हिसार के अंदर एक चेयरमैन श्रीनिवास गोयल का लड़का ने गेट के ऊपर नो एंट्री थी, उसने अंदर घुसने की कोशिश की जी, और उस व्यक्ति ने पुलिस को इतना भद्दा बोला है, डीएसपी रैंक के अधिकारों बोलता तुम क्या है, तुम एक हौलदार है, जहां से निकला वहां बाड़ दूंगा। और जब उसको जवानों ने बताने की कोशिश की, उसको गाड़ी में उठा के लेके गए, वापिस उस जवान और उस एएसआई के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दिन प्रतिदिन कि आप उस चेयरमैन से माफी मांगिए कि आपने गलती की है, जो कि उनका कोई गलती नहीं है, उन्होंने बच्चे को उसके को लड़के को हाथ तक नहीं लगाया। अब ये बताओ पुलिस कैसे अच्छा काम करेगी जी? जब हमारे अधिकारी एक राजनीतिक वाले के दबाव में आके
उसके ऊपर दबाव दे रहे हो, क्या अच्छा काम करेगा, क्या उसका हौसला रहेगा, क्या हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करेगा? जायज सवाल है वीरेंद्र शर्मा आपका, और वाकई जो घटना आपने बताई, हम चाहेंगे कि इस पर आगे समुची कार्यवाही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस प्रकार से वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े, इन्होंने भी एक घटना ऐसी ही बताई है जो कि नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई हिसार से है, जहां पर आपको बता दें कि इसी प्रकार से पुलिस के साथ जो घटना हुई है, वाकई ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस अगर अपना कर्तव्य निभाए तो निभाए कैसे। अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, केपी चौहान जो कि अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। केपी चौहान, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? मैडम नमस्कार। ये नमस्कार। बड़ी पेनफुल इंसिडेंट है जी, और इनको जो कांस्टेबल या हायर ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते हैं, दे आर डूइंग इट अंडर पॉलिटिकल प्रेशर जी। जहां लगता है एमएलए साहब को या मंत्री साहब को कोई एसएचओ या एसपी उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा, ही इज बीइंग ट्रांसफर्ड। और ये चाहते हैं कि हमारे जो जूता चाटने वाले ऑफिसर हमारे पास रहें जी। अब आप देखिए, जहां जहां माइनिंग हो रही है, जो भी एसएचओ डीएसपी साहब थोड़ा सख्त होता है, उसको ऐसे दूर दराज बदला जाता है ताकि उसको एक लेसन मिले, और आने वाला ऐसे हिम्मत करता ही नहीं जी। ये सब राजनीतिक संरक्षण है। कानून हमारा बहुत सख्त है, अगर कानून की पालना की जाए, पुलिस को अपना फ्रीडम दी जाए काम करने की, तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी जी। जब भी कोई सख्ताई दिखाता है, उस एसएचओ साहब को या एसपी साहब को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मनमानी की जाती है इनके साथ जी। तो इनको पूरा फ्रीडम दी जाए ऑफिसर्स को, और देश में पर्टिकुलरली हरियाणा में जो गुंडागर्दी एकदम बंद हो जाएगी वहां जी। थैंक केपी चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने राय रखी है। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस गुंडों के ऊपर गोली चलाती है तो मानवाधिकार वाले आगे आ जाते हैं जी। आप बॉम्बे में देखिए तो वहाँ जो है, वहाँ भी यही हाल है। कुल मिलाकर के बात यह है कि पुलिस के ऊपर हमेशा दबाव राजनीतिज्ञों का रहता है, और उनके संरक्षण में जो है ना, ये गुंडे पलते हैं। इतनी जल्दी पकड़ करके और उस हेड कांस्टेबल को छोड़ दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस को पता था कि ये कौन से एरिया के गुंडे हैं, क्योंकि इनके पास तो सारे जो है ना, इनका बायोडाटा रहता है। तो पुलिस के इतनी जल्दी पुलिस के कर्मचारी को छोड़ देना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी राजनीतिज्ञ का फोन गया और उन गुंडों ने उनको बिल्कुल सुरक्षित छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये हरियाणा क्या पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश अपनी राय रखने के लिए। तो पुलिस आखिरकार अपना कर्तव्य निष्ठा से कैसे निभाएगी जब राजनीतिक दबाव होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। अगले दर्शक का रुख करेंगे, नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है नागेंद्र, आपका खबर अभी तक पर। जी बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। जिस तरह से खाकी का खौफ लगातार खत्म हो रहा है, इसके बारे में बहुत गहन विचार करना चाहिए। ये छोटी सी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है कि हरियाणा पुलिस का एक जवान जो है वो बदमाशों के द्वारा अगर उठा लिया गया। हरियाणा पुलिस एक देश में एक साथ रखने वाली पुलिस है, और इसके साथ ही अगर ऐसा हुआ तो बाकी प्रदेशों की जो हिमाचल जैसे जो शरीफ पुलिस जिसको कहा जाता है, वहां पर क्या कुछ हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही कि पूर्व प्रस्तावों ने कि जो अल्लाहुद्दीन के चिराग की तरह पुलिस जो है राजनेताओं के लिए काम करती है, इस पुलिस एक्ट 1861 को इसमें अमेंडमेंट अगर जरूरत है तो इसको तुरंत किया जाना चाहिए। कानून के रक्षकों के साथ ही अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो भय दिन प्रीत नहीं, जब तक इनको दंडे का डर नहीं होगा बदमाशों को, तब तक यहाँ पर सुधार। अदरवाइज हो सकता है कि कश्मीर की तरह कभी गांव में जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाए तो वहां पर पत्थरबाजी और पूरे पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, क्या करेगी फिर उसके बाद पुलिस। मैडम, इस कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नेताओं को, अफसरों को, पुलिस को और जनता को, ये सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। और ये जो जनता की पुलिस जो है वो इसको राजनेताओं के संरक्षण से मुक्त करवाना होगा, और ये पुलिस जो है वो हरियाणा पुलिस की, मैं तायद करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने हमेशा बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है,
लेकिन जो ये घटना हुई है एक बहुत सोचनीय विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल ने जो ये मुद्दा उठाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी इस बुलंद आवाज में अपनी राय रखने का, और जिस प्रकार से आपने वाकई एक बहुत ही अच्छा ये सवाल भी उठाया है। योगेश अगले दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी बताइए इस पर आपकी क्या राय रहेगी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। बहुत ही ये कानून व्यवस्था में बहुत ही बड़ा सवाल है कि भी जब एक पुलिस वाले के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो एक आम छोटा सा आदमी क्या कर सकता है। हमारे नेताओं की तो सिक्योरिटी में कम से कम 15-20 आदमी लग सकते हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तो सड़कों पर भी तो पुलिस वाले चाहिए। सारे तो पुलिस वाले तो उन मंत्रियों के घर में बैठे रहते बेचारे, ना काम करें तो उनको बदली कर देते हैं। आपको ध्यान हो कि पानीपत में एक बार अनिल विज की मीटिंग हुई थी जिसमें एक महिला अफसर थी जो थोड़ी लेट हो गई थी एक बार तो, और दूसरी बार वो मीटिंग अपने काम के कारण पुलिस महकमे के काम के कारण नहीं जा पहुंची तो अनिल विज जी ने उसका बदली करवा दी। तो मतलब कि जो अगर ईमानदारी से अपना काम करना चाहे या कुछ भी करना चाहे उनको तो या गुंडों से करवा देते हैं काम या मरवा देते हैं। जैसे पीछे एक भाई फौजी छुट्टी आया था उसको रस्ते में ही उठवा कर उसको मार के पेड़ पे लटका देते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है। तो बताओ डर किस के अंदर क्या रहेगा कि भी जब पुलिस वाला ही एक जो इतना होके भी सबकी रक्षा करता रात को, हमारे जैसे आम आदमी घर में चैन से सोते हैं लेकिन वही सुरक्षित नहीं है तो क्या करें। अब बहुत बड़ा मुद्दा है मैम ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जो आपने राय रखी है। वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस प्रकार से जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया है कहीं ना कहीं ये घटनाएं सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार एक सभ्य और एक विकासमत समाज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं पुलिस के साथ ही घटित होंगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा होता है कि आखिरकार जहाँ पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो पुलिस जो कि आम जनता को सुरक्षा प्रदान करती है आखिरकार वो आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। पुलिस आम आदमी की कैसे सुरक्षा करेगी जब पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है गुरुग्राम की जहां पर एक हेड कांस्टेबल का अपहरण दिन दिहाड़े कर लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक हेड कांस्टेबल का अपहरण दिन दिहाड़े कर लिया गया, उसे सफारी गाड़ी में बिठाकर बदमाश अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस को बाद में जो हेड कांस्टेबल था उसे बाद में छोड़ भी दिया गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने जो अंजाम दिया है उनके हौसले कैसे बुलंद होते हैं कि अब पुलिस पर उनकी नजर है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए हमें कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। पुलिस कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन गुरुग्राम में आज जो घटना सामने आई है वो पुलिस की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर रही है। देश की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।